मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूं, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूं, रियल स्टोरी। स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज्यादा आती है। और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अभी ये भी हुआ है। तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है, आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी अभी उससे निकले होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट एज इज दिस 16, 18, 19। इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है, पेरेंट्स दुश्मन नजर आते हैं इस उम्र में। पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब खराब बात बोलते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है, सबको आता है। आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में, एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है। जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद, ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज नॉर्मल थिंग। आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूं, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूं। खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफी है, बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूंगा, ऐसा मत करना, एक ही बार में कर लो। और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं, हालांकि वो बता देता है लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वट एवर परसेंटेज ही गेट्स, एंड वी ऑल्सो हैव ए डॉटर, आई मीन आई एम नॉट द बायोलॉजिकल फादर, शी इज ए रिलेटिव्स डॉटर, सो शी लिव्स विद अस। हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज के, ना हम पूछते हैं, ना हमारे इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बींग्स बन जाए, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत अच्छे से देखा है और मैं एक बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला, पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का उसके लिए साल क्यों खराब करूं, जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 ही दिन खराब करेंगे उसमें। और दूसरी बात, ओवर द इयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आई, मैं कभी थीटा वीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी, आज तक यूज नहीं किया मैंने थीटा, कहां थी यूज करूं, काम ही नहीं आया। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूं वहां का नक्शा देख लेता हूं और बचपन वाला याद भी नहीं आता, फिर से देखना पड़ता है, इतनी सी बात है। तो मैंने फील किया कि ज्यादातर चीजें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है वो जिंदगी में बहुत काम नहीं आती, जो काम आता है वो और चीज है, मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा आपसे। लेकिन मेरी चिंता एज ए पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभग 50 साल का हूं तो आप मेरे लिए लगभग उसी रोल में हैं कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स से बड़ी नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात, तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, वो शायद यहाँ CM साहब की बात सुन लेगा। तो दूसरों की बात सुनना आसान होता है, अपने पेरेंट्स की बात सुनना मुश्किल होता है, तो आप सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूं नाम, जगह वो सब बदल देता हूं ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो, सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूं, बचपन से जानता हूं, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूजिक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूजिक के उस्ताद थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, हर चीज में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया।
और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बींग इन टू म्यूजिक. आई वॉज इन डिबेटिंग, ही वॉज इन टू म्यूजिक. और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ. उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था. जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय. अब तो बच्चे जिंदगी भर दोस्त रहते हैं. फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या डिवेस्टेटिंग बात बताई. तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया. तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा. तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं. उसने कहा यार वो जेल में है. एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल. मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता. मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे. लोग ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई. बैड कंपनीज को हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है वही वाली. कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है. अच्छा बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना, थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए. पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है. उसके साथ ऐसा हुआ, मतलब हजार लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. आई हैव सीन मैनी सच केसेस. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा है, 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने के, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं. उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था. तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ. अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहाँ अब ड्रग्स बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है. अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे. उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा. तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहाँ भी वो कुछ कुछ करता रहता था. उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया. भाई आप पेरेंट्स की चिंता समझेंगे, आज से 30 साल बाद जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय. नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप. और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है. यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है. ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है. और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया. मर्डर, उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए. एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा. और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी या 19 के आसपास रहा होगा. उसके बाद वो जेल गया. मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में. मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ, एंड एक दो क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को. मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं. आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना ये मत करना. बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं. किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पर जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं.
पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राहे शौक में, राहे शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे, बस एक कदम गलत उठाता राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहां चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उसे गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें, पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा अपनों के, पर मेरा काम ही यह है, मैं क्या करूं, मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूंगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ना करे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद जरूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर,